हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर से खुश होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपने घरों में खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज अमान में रखे। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए के साथ शेयर करूंगी एक मैजिकल वाइटनिंग हैंड फिट वाइटनिंग रेमेडी, जो इंस्टेंट आपके हैंड और फुट को वाइट करेगा, इंस्टेंट आपके हाथ पैरों को ब्राइट करेगा और आपके हाथ पैरों पर एक नेचुरल ग्लो लेकर आएगा और बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा आपके हाथों को। और ये जिन लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, ड्राइनेस की वजह से हाथों पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और जिनके नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, ये रेमेडी उन सब लोगों के लिए है। ये आपके हाथों से ड्राइनेस को दूर करेगा, आपके हाथों से टैनिंग को दूर करेगा, डलनेस को दूर करेगा। और जब आपके हाथों से ड्राइनेस दूर हो जाएगी तो आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट, शाइनी और बिल्कुल ब्राइटर लगेंगे। तो इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। उसके लिए हमने ले लेना है, यहाँ सबसे पहले हमने एक चम्मच ले लेना है राइस फ्लोर का, आपने जो चावल का आटा होता है आपने वो ले लेना है इसमें एक चम्मच। और फिर हमने इसमें ऐड करनी है दही का, 1 से 2 चम्मच हमने यहाँ पर दही ऐड की है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जो है बेकिंग सोडा ऐड किया है, खाने वाला जो सोडा होता है मैंने वो ऐड किया है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें ब्लैक कॉफ़ी का ऐड कर लिया है। अगर आपके पास ब्लैक कॉफ़ी नहीं है, जो भी हो आपके पास घर में अवेलेबल हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज़ किया है, 1/2 लेमन का यहाँ पर रस डाला है और इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे, हमारा जो इसमें बेकिंग सोडा है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे इस पेस्ट में दही का मुझे थोड़ा कम लग रहा था, पेस्ट थोड़ा थिक था तो मैंने इसमें थोड़ी दही और ऐड की है। तो पेस्ट आप देखिए कम ज़्यादा इसकी क्वांटिटी को कर सकते हैं। और फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही चॉकलेटी क्रीमी सी एक शक्ल में हमारे पेस्ट रेडी हो जाएगा। और जब आपके पेस्ट रेडी हो जाए, आपने इसको एक्टिवेट होने के लिए 1 मिनट के लिए छोड़ना है। जब 1 मिनट हो जाएगा इसको, फिर हमने इसको अपने, ये देखिए 1 मिनट बाद ये एक्टिवेट हो गया हमारा पेस्ट अच्छे से, कॉफ़ी भी अच्छी इसमें अपना असर दिखा चुकी है, तमाम रेमेडी ने अपना असर छोड़ दिया है। अब हम इसको अपने हैंड और फुट पर अप्लाई कर लेंगे अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से। हमने अपने हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद हमने अपने हाथों पर, पैरों पर इसको भर कर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, अपने नकल्स पर, डार्क एरियाज़ पर, एल्बो पर, आपके जहाँ भी आपको ब्लैकनेस की प्रॉब्लम है या डरनेस की या ड्राइनेस की, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पर भी हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ना है, जब ये ड्राई हो जाए, इसको 10 से 15 मिनट हो जाए, फिर आपने जो हमने इसमें लेमन काटा था, 1/2 लेमन हमने इसमें ऐड किया था, जो हमारा 1/2 लेमन जो बच गया था, उसी लेमन को जो आपने लेना है, जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आपने उस 1/2 लेमन से इसको अच्छे से स्क्रबिंग करना है, अच्छे से इसका मसाज करना है। 2 मिनट आपने इसको इस तरीके से मसाज करना है, अच्छे तरीके से मसाज करना है आपने अपने हाथों पर, पैरों पर और उन जगहों पर ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा डार्क हैं आपके। जैसे हमारे बाद लोगों के ये नकल्स, मेरे भी काफ़ी ये डार्क हैं और कुछ जिनको भी डार्क नकल्स की प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से इसको लेमन को अच्छे से वहाँ पर रब करेंगे, आप देखेंगे हमारे ये इंस्टेंट ब्राइट आपको, आपका हाथ पाँव इंस्टेंट ब्राइटनिंग आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। और जब आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप देखेंगे इंस्टेंट आपको एक ब्लीचिंग इफेक्ट मिलेगा, आपके डार्क नकल्स वाइटनिंग हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे और आपके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शाइन हो जाएंगे। आपकी जो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, ड्राइनेस की वजह से फाइन लाइन आ जाती हैं, उसकी वजह से हमारे हाथ बहुत ज़्यादा बेरोनक लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ भी अप्लाई नहीं किया मैंने और मेरे हाथों पर किस हद तक एक शाइन और ग्लो नेचुरल, आप चेक कर सकते हैं सनलाइट में ये ग्लो और भी ज़्यादा, मेरे हाथ इतने अच्छे शाइन कर रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त। आप बाज़ार पार्लर जाके जो महंगा महंगा मैनीक्योर पेडीक्योर करवाते हैं ना, वो रिज़ल्ट भी आपको नहीं मिलता जो सिर्फ ये हमारी 5 से 10 मिनट की रेमेडी से हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो गाइस बहुत अच्छी वीडियो है, आप रेमेडी है ये, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके कमेंट में मेरे साथ फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अमेजिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।